पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा माध्यमिक यानी दसवीं की परीक्षा 23 फरवरी से शुरू होगी। ये 4 मार्च तक चलेगी। सादर दिघी उपचुनाव के चलते 27 फरवरी की जगह 1 मार्च को इतिहास की परीक्षा होगी। पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के अनुसार 15 फरवरी से अभ्यर्थी स्कूल जाकर माध्यमिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। एडमिट कार्ड में सुधार के लिए जरूरी होने पर 20 फरवरी तक आवेदन किया जा सकता है। अधिसूचना के अनुसार बोर्ड ने 2023 में माध्यमिक बाहरी लोगों सहित सभी उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र वितरण के लिए शिविर आयोजित किया है। इन शिविर के माध्यम से प्रवेश पत्र वितरित किए जाएंगे। अधिसूचना के अनुसार संबंधित विद्यालय के प्राचार्य अथवा उनके प्रतिनिधि अपने अपने विद्यालय के परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र उन शिविरों से सोमवार 13 फरवरी को प्रातः 11 बजे से साय 5 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद 15 फरवरी से स्कूलों से इसकी व्यवस्था की जाएगी। बोर्ड ने कहा कि अगर एडमिट कार्ड में कोई गलती या गड़बड़ी है तो उसमें सुधार के लिए बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को लिखित आवेदन दिया जा सकता है। आवश्यक संशोधन आवेदन पत्र 20 फरवरी तक जमा करना होगा, अन्यथा कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। बोर्ड सूत्रों के मुताबिक इस साल माध्यमिक की परीक्षा 23 फरवरी से शुरू होगी। 23 फरवरी माध्यमिक प्रथम भाषा की परीक्षा और द्वितीय भाषा की परीक्षा 24 फरवरी को होगी। अगले दिन 25 फरवरी को भूगोल की परीक्षा है। 28 फरवरी को जीव विज्ञान की परीक्षा होगी। 2, 3 और 4 मार्च को क्रमशः गणित, भौतिकी और वैकल्पिक विषय की परीक्षा होगी। हालांकि मुर्शिदाबाद में सागर देगी उपचुनाव के चलते माध्यमिक इतिहास परीक्षा की तिथि में बदलाव किया गया है। बोर्ड ने कहा कि परीक्षा 27 फरवरी के बजाय 1 मार्च को होगी। बता दें कि दसवीं की परीक्षा में नकल रोकने के लिए बोर्ड ने कड़ी निगरानी का आदेश दिया है। बोर्ड की ओर से पहली बार एक ऐप तैयार किया जा रहा है। इस ऐप के माध्यम से नकल पर निगरानी की जाएगी। उल्लेखनीय है कि पिछले कई वर्षों में परीक्षा में नकल और प्रश्न पत्र लीक होने की शिकायत मिली थी। इसके मद्देनजर बोर्ड की ओर से विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। परीक्षा के दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा माध्यमिक यानी दसवीं की परीक्षा 23 फरवरी से शुरू होगी। ये 4 मार्च तक चलेगी। सादर दिघी उपचुनाव के चलते 27 फरवरी की जगह 1 मार्च को इतिहास की परीक्षा होगी। पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के अनुसार 15 फरवरी से अभ्यर्थी स्कूल जाकर माध्यमिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। एडमिट कार्ड में सुधार के लिए जरूरी होने पर 20 फरवरी तक आवेदन किया जा सकता है। अधिसूचना के अनुसार बोर्ड ने 2023 में माध्यमिक बाहरी लोगों सहित सभी उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र वितरण के लिए शिविर आयोजित किया है। इन शिविर के माध्यम से प्रवेश पत्र वितरित किए जाएंगे। अधिसूचना के अनुसार संबंधित विद्यालय के प्राचार्य अथवा उनके प्रतिनिधि अपने अपने विद्यालय के परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र उन शिविरों से सोमवार 13 फरवरी को प्रातः 11 बजे से साय 5 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद 15 फरवरी से स्कूलों से इसकी व्यवस्था की जाएगी। बोर्ड ने कहा कि अगर एडमिट कार्ड में कोई गलती या गड़बड़ी है तो उसमें सुधार के लिए बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को लिखित आवेदन दिया जा सकता है। आवश्यक संशोधन आवेदन पत्र 20 फरवरी तक जमा करना होगा, अन्यथा कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। बोर्ड सूत्रों के मुताबिक इस साल माध्यमिक की परीक्षा 23 फरवरी से शुरू होगी। 23 फरवरी माध्यमिक प्रथम भाषा की परीक्षा और द्वितीय भाषा की परीक्षा 24 फरवरी को होगी। अगले दिन 25 फरवरी को भूगोल की परीक्षा है। 28 फरवरी को जीव विज्ञान की परीक्षा होगी। 2, 3 और 4 मार्च को क्रमशः गणित, भौतिकी और वैकल्पिक विषय की परीक्षा होगी। हालांकि मुर्शिदाबाद में सागर दिघी उपचुनाव के चलते माध्यमिक इतिहास परीक्षा की तिथि में बदलाव किया गया है। बोर्ड ने कहा कि परीक्षा 27 फरवरी के बजाय 1 मार्च को होगी। बता दें कि दसवीं की परीक्षा में नकल रोकने के लिए बोर्ड ने कड़ी निगरानी का आदेश दिया है। बोर्ड की ओर से पहली बार एक ऐप तैयार किया जा रहा है। इस ऐप के माध्यम से नकल पर निगरानी की जाएगी। उल्लेखनीय है कि पिछले कई वर्षों में परीक्षा में नकल और प्रश्न पत्र लीक होने की शिकायत मिली थी। इसके मद्देनजर बोर्ड की ओर से विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। परीक्षा के दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जाएंगे।